कोरोना काल में जनभावना से काम करने वाले स्टेट वार काउंसिल के सदस्य एडवोकेट रोहित शर्मा को ग्राम पंचायत लंबलू, व्यापार मंडल लंबलू एवं शनिदेव मंदिर कमेटी लंबलू के प्रधान ने संयुक्त रूप से सम्मानित किया। वहीं एडवोकेट रोहित शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर लड्डुओं से भी तोला और उनके द्वारा इस विषम समय में किए जा रहे कार्यों को भी जमकर सराहा है। इस मौके पर मौजूद पंचायत प्रधान सुरेंद्र रिंकू ने कहा कि रोहित शर्मा ने इस कोरोना काल में जो जनभावना से सेवा की है वह सराहनीय वो अनुकरणीय है। शनिदेव मंदिर कमेटी लंबलू के प्रधान देशराज शर्मा ने रोहित शर्मा का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने आपदा की इस घड़ी में पंचायतों में जाकर ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, मास्क और पीपी किट वितरित किए हैं और लोगों की मदद की है। युवा नेता रोहित शर्मा जी, आज हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे बीच में उपस्थित हुए। मैं आशा करता हूँ इतनी पब्लिक यहाँ है, सब इनका साथ वास्ता, हम पूर्ण रूप से इनका सहयोग करेंगे ताकि हमारे इलाके का विकास हो सके। एडवोकेट रोहित शर्मा ने इस अवसर पर सम्मान के लिए लंबलू पंचायत प्रतिनिधियों को शनिदेव मंदिर कमेटी लंबलू के साथ उपस्थित जनसमूह को मास्क व सैनिटाइजर देते हुए धन्यवाद किया। इस अवसर पर रोहित शर्मा ने कहा कि लंबलू व्यापारिक, सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर से लंबलू में उप तहसील खोलने का आग्रह किया ताकि इस क्षेत्र की जनता को लाभ पहुँच सके। आज के इस अवसर पर आभारी हूँ लंबलू के सभी सम्मानित व्यापार मंडल के सदस्यों का और व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी का, यहाँ के पंचायत के अध्यक्ष और प्रधान जी का, हमारे सम्मानित और आदरणीय पंडित जी जिनसे मेरे परिवार की रिश्ता है, पंडित देशराज जी का, यहाँ पर उपस्थित सम्मानीय हमारे बांकाराम जी का, हमारे जगह जगह से आए लोग, हमारे उप प्रधान रामदास जी का, बीरलाल शर्मा जी का और बीरबल दास शर्मा जी का, और पंचायतों से आए ओम प्रकाश जी का, पंचायतों से आए उप प्रधान, सम्मानित प्रधान, उन सभी का मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लंबलू जो कि शनिदेव की छत्र छाया में यहाँ पर बसता है और शनिदेव की कृपा से यहाँ पर बाजार की खुशहाली है और शनिदेव की कृपा से यहाँ पर इस पूरे इलाके की जो सौंदर्य है, जो यहाँ का लोगों का आना जाना है, वो इस वजह से लगा रहता है और एक सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट होने के नाते लंबलू की एक बहुत खास जरूरत जो पिछली सरकार ने अनाउंस करी थी कि यहाँ पर उप तहसील होगी और आज सरकार के 3.5 वर्ष बीतने के बाद भी वो उप तहसील जो है वो धरातल पर नहीं आई। मैं आता हूँ, ईश्वर ने मौका दिया और आप लोगों ने साथ दिया तो सबसे पहले लंबलू में आकर के उप तहसील खोली जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लंबलू एक सेंट्रल पॉइंट है, बिजनेस का भी हब है, लोगों का आना जाना है, लोग यहाँ सेंट्रल पॉइंट से ही जुड़ते हैं। जो जो लंबलू के सौंदर्यकरण के लिए, लंबलू को पर्यटन की दृष्टि के लिए, टूरिज्म की दृष्टि से लंबलू को विकसित किया जाएगा और लंबलू के लोग जो मेरे साथ वकालत के पेशे से भी जुड़े हैं, व्यक्तिगत तरीके से जुड़े हैं, ये मेरे दिल में रहेंगे और लंबलू के लिए जो कुछ भी करने की जरूरत होगी वो हमेशा करे जाएगा, आपके साथ मिलना जुलना लगा रहेगा। और मैं कहूँगा कि कोरोना काल में ही नहीं, कोरोना काल के अलावा भी जो बाकी दिन भी यहाँ की कोई जरूरत होगी वो पूरी दृष्टि से और प्रायोरिटी पर पूरी की जाएगी। धन्यवाद।